शेख उमर सलेमान का मैं एक लेक्चर अभी रिसेंटली सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि इस वक्त अल्लाह सुभान व तआला गाजा वालों को तो आजमा ही रहे हैं, लेकिन हमें भी आजमा है, बल्कि शायद उनसे ज्यादा आजमाइश हमारी है। और उसकी वजह यह है कि उनके पास तो चले फिर एक्सक्यूजेज हैं, डेफिनेटली सिचुएशन ऐसी है, जैसे अबू साद भाई ने कहा कि वो तो खंदक के अंदर है, लेकिन हमारे पास क्या एक्सक्यूज है कुछ ना करने का? हमारे पास क्या एक्सक्यूज है अपनी लाइफ को भी चेंज ना करने का? हमारे पास क्या एक्सक्यूज है दुआ ना करने का? नथिंग। इसलिए मैं समझता हूं कि हमारा ये ज्यादा टेस्ट है, और ऐसा ही है। मुझे बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं आज के, लोग कह रहे हैं हम हेल्पलेस फील कर रहे हैं, रातों को रोते हैं, हमें ह्यूमिलिएशन फील हो रही है, हमें जिल्लत फील हो रही है, यानी इतना ह्यूमिलिएट हो चुके हैं हम कि हम अब कुछ कर भी नहीं सकते, हम इतना हेल्पलेस हो चुके हैं। तो ये बात दुरुस्त है, ये फीलिंग सिर्फ आपकी नहीं है, ये फीलिंग मेरी भी है। मुझे भी रात को ये थॉट्स आते हैं कि क्या करूं, क्या हो सकता है, यानी जब उन मासूम बच्चों की वीडियो सामने आती है, जब वो कॉन्टेंट सामने आता है, अल्लाह अकबर, तो कैसे एक मुसलमान जो है वो राहत की नींद सो सकता है? लेकिन ये कि इंशाल्लाह मैं प्रैक्टिकल टिप्स आपको कुछ दूंगा कि सोशल मीडिया पे आप लोगों का क्या रोल होना चाहिए, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए कि सोशल मीडिया की ऐसी पावर है कि वहां पे एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया जाए तो बहुत कुछ। अस्सलामुअलैकुम, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तमाम आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। जज़ाकअल्लाह।